हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? बढ़िया। वेलकम टू जिमिन लाइव पार्ट टू। जिसने पार्ट वन नहीं देखा है, अभी 2 घंटे पहले ही अपलोड किया था, प्लीज़ वॉच नाउ। हमें कहाँ से देखना था? यहाँ से। मेरे होठ गोल्डफिश की तरह दिखते? ये ज़रूर किसी ने कमेंट में लिखा होगा। टाइम उम्मीद से कहीं तेज़ी से गुजरता है, चिंता मत करो दोस्तों। आप टिकटॉक डांस में अच्छे हैं, आप दोबारा कब डांस करेंगे? ऐसा तब होता है जब हम एक दूसरे से पूछते हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अचानक एक टिकटॉक नहीं कर सकता। किसी ने कमेंट लिखा है, जिमिना मेरा बेटा रो रहा है और वो कह रहा है कि वह खाने जाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा देखना चाहती हूँ, मतलब लाइव देखना चाहती हूँ। जिमिन ने रिप्लाई किया, प्लीज़ जाओ खाओ, ये बाद में अपलोड हो जाएगा, तुम्हारा बेटा रो रहा है, जाओ खाओ। दैट्स सो स्वीट। आश, मुझे क्या खाना चाहिए? एवरीवन मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मेरे होंठ मोटे हैं, इसलिए मेरा निकनेम क्या रखा है तुम लोगों ने? मेरे मोटे होंठ देखकर तुम लोग क्या कहते हो मुझे? क्या चोंच, बतख, हाँ डक? लेकिन बतख की चोंच लंबी होती है। देखो मेरा केवल ऊपर का होंठ सफेद हो जाता है, इसलिए इस वजह से जब मैं आप लोगों के सामने होता हूँ तो मैं हमेशा लिप बाम लगाता हूँ जिसमें रंग होता है, तो मैं लिप बाम लूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत लाल हो गया है, मैंने सिर्फ इसे ऊपर के होंठ पर लगाया है। जब मेरे लिप्स की बात आती है तो मैं सेंसिटिव हूँ। गोल्डफिश? अच्छा, अभी कमेंट में किसी ने कहा था ना कि तुम्हारे होंठ गोल्डफिश जैसे लगते हैं, तो वो जिमिन को बुरा लग गया। आ जिमिना, नहीं है तुम्हारे होंठ गोल्डफिश जैसे। आगे चलिए, इस टॉपिक को नहीं छोड़ते दोस्तों। मुझे क्या खाना चाहिए? तुम्हें पता है मैंने सच में 10th एनिवर्सरी 2 बार लिखी थी, क्योंकि पहली वाली मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि दूसरे वाले के पास एक स्टार है। मेरी माँ ने मुझे किमची दी और मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया कि ये बहुत टेस्टी है, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया। और ये गर्म है दोस्तों, सही है, ये सच में क्रंची अच्छी किमची थी, लेकिन अब ये एक मैश है। मुझे माफ़ करना माँ, हालांकि आप शायद ये नहीं देख रही होंगी। बाद में मैं एक फ़ोटो पोस्ट करूँगा और तुम लोगों को दिखाऊँगा कि मैं डिनर के लिए क्या खाने वाला हूँ। क्या मैंने आर्मी का लव लेटर सुना है? क्या मैं इसे सर्च कर सकता हूँ? ओह, ये 2 दिन पहले आया था, आओ इसे सुनते हैं। ओह माय गॉड, आर्मी ने ये सॉन्ग बनाया और इसे अपलोड किया। ओह, सभी आवाज़ें अलग हैं, क्या उन्होंने ये गाना हमारे लिए बनाया है? ओह ये गाना बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, अमेजिंग। वाह, ये क्या है? इन्होंने इसे 13 तारीख को अपलोड किया था। ओह माय गॉड, ये मेरे दिल को छू गया, गाना बहुत अच्छा है, ये एक फ्रोजन सॉन्ग की तरह है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मज़ेदार है कि कैसे इसकी शुरुआत नामजून ह्यून के रोने वाले सीन से हुई। बहुत सारी आवाज़ें अलग हैं, इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। क्या आप सभी ने इसे सुना है? थैंक यू। वाह, हमें एक सॉन्ग गिफ्ट में मिला। BTS एक ऐसा ग्रुप है जिसे गिफ्ट में एक सॉन्ग मिलता है। मैं अभी जाने के बारे में नहीं सोच रहा था, बिल्कुल।
मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। चलो सारी रात बात करते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। मेरा पैटर्न 4 हफ्ते पहले ये था। मैं आप लोगों को यह नहीं बता पाया, लेकिन मैं 12 बजे सोया और 8 बजे उठा। लेकिन अब मेरा पैटर्न है कि मैं लाइव के बाद क्या कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो खाना रिकमेंड किया है, मैं उसमें से एक खाऊंगा। एक बार जब मैं घर पहुँच जाऊँगा तो मैं अपने कपड़े उतार दूँगा और अपने सोफे पर बैठ जाऊँगा, और तब तक नहीं हिलूँगा जब तक मेरा खाना नहीं आ जाता। हाँ, सिर्फ पानी लेने के लिए हिलूँगा। जाओ खाओ और शावर लो। अरे आज तो अलग बात हो रही है। अक्सर आप लोग कहते हैं कि रुको, अभी लाइव बंद मत करो, लेकिन आज आप मुझसे खाने को और नहाने के लिए कह रहे हैं, ये क्या है? अगर मैं अभी सोता हूँ तो मैं सुबह 6 या 4 बजे जगूँगा, तो मुझे दिन में नींद आ जाएगी। आपको आराम करने की ज़रूरत है। नहीं, आपके कमेंट पढ़कर मज़ा आता है। TMI मतलब टू मच इंफॉर्मेशन। ये रबरबैंड मेरी कार्ड कंपनी के पैकेज में आया है। काश मेरे हाथ बड़े होते। मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? मैं आपको उस समय के बारे में नहीं बता सकता जब त्योंग और मैं लड़े थे। ये 50-50 है, मतलब आधी गलती जिमिन की और आधी गलती वी की। तो मुझे इसके बारे में उससे बात करनी होगी। मुझे बस अगली बार लेटते हुए लाइव करना चाहिए, है ना? हाँ, मैं तुम्हें अपनी जेब में रखूँगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। क्या ये तुम्हें अपनी जेब में डालकर भागने का पहला लाइव नहीं होगा? क्या तुम वहाँ ठीक हो? ये पॉकेट में कैसा है? मैं सच में आप लोगों को अपनी पॉकेट में रखता हूँ। एवरीवन, क्या आप मेरी जेब में आने और घर जाने के लिए लाइव रहेंगे? क्या ये कंफर्टेबल है? तुम घर जाने के लिए तैयार हो? तुम घर जाने के लिए तैयार हो? 7 मिलियन। हालांकि ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर में उसके लिए पूरी जगह नहीं है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। प्लीज पुट मी बैक इन। बैक इन यू गो। किसने कहा ये? ये कितना मज़ेदार है। ये सबसे अच्छी पॉकेट है? मैं अभी थोड़ा उठा। रॉक पेपर सीजर जीतने वालों को ले जाए। अगर हम अभी रॉक पेपर सीजर खेलेंगे तो ये कब खत्म होगा? तुम लोग बहुत मजाकिया हो। मतलब कमेंट में किसी ने मजाक में लिखा होगा कि रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा उसे पॉकेट में ले जाना। कमाल के है आर्मी भी। लेकिन दोस्तों, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी और नींद आ रही है। मैं जाना चाहता हूँ। देखने वालों की काउंटिंग क्यों बढ़ रही है? क्यों? मैं अब जाने वाला हूँ। और जब व्यूवर्स की काउंटिंग कम हो जाती है तो मैं जाने वाला था, लेकिन ये और ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मुझे भूख लगी है। मैं और रहना चाहता हूँ, लेकिन आज मज़ा आया। हालांकि मैं कहता रहता हूँ कि मैं अक्सर आता रहूँगा और ये आदत बन गई है, लेकिन मैं पहले घर जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने क्या खाया। आइए हम सब वही करें जो हमें अभी करना है। ये मज़ेदार है आप सभी के साथ समय बिताना। मैं अब जाऊँगा, खुश रहो। मैं बस जाना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। आज के लिए आप सभी को थैंक यू, और आज का दिन बहुत मज़ेदार था। आप सभी को थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिन की एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। मेक श्योर आप अच्छा खाएं, और मैं बाद में फ़ोटो अपलोड करूँगा। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, BTS को सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, बाय।
और ये मजेदार था। जैसा कि जिमिन ने कहा कि वो बाद में खाने की फ़ोटो पोस्ट करेंगे, जो जिमिन ने करी। जिमिन ने खाने की पोस्ट के साथ कैप्शन में ही लिखा और अपनी ही पोस्ट में दो कमेंट किए, ठीक है अब मैं रुकने की कोशिश करूँगा और सोऊंगा नहीं। चलो दो तक रुके रहें, सिर्फ दो तक। दो क्या जिमिना, दो मिनट या दो घंटे। फिर आधी रात को इसी पोस्ट पर जिमिन ने चार कमेंट किए। मैं 3 घंटे के लिए सोया, मैं सोना जारी रखूँगा, आंखें खुल गई, ये बड़ी परेशानी है, मैं फिर से सोने की कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें कल बता दूँगा। फिर आज दोपहर में एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा था, दिन बहुत अच्छा है, ही आई होप कि आप सभी का दिन अच्छा हो, ही। मतलब जिमिना ये है कि पहले एक साथ दिन रात काम करो, फिर एक साथ दिन रात सो। चलो खुशी हुई जानकर कि तुम आजकल आराम कर रहे हो, इट्स गुड। और किसने जिमिना के लिप्स को गोल्ड फिश बोला? भाई इतने अच्छे लिप्स तो हैं, लेकिन मानो जिमिना मैंने तुम्हारे लिप्स को लेकर कोई निकनेम नहीं दिया है। नामजुनी प्लीज़ आप भी कभी दर्शन देने का कष्ट करें, अगर टाइम मिले तो। मिस यू। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।